हाय एवरीवन, मेरा नाम स्वयंदीप्ता दास है। मैं WBGE से रिलेटेड कंटेंट अब इस चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड को देख लेते हैं। मैंने क्लास 10 तक HM एजुकेशन सेंटर में पढ़ाई की है। मैंने क्लास 10 CBSE बोर्ड से दिया था। उसके बाद 11th और 12th विवेकानंद एकेडमी से पढ़ा है। 12th भी मैंने CBSE बोर्ड से दिया था और मेरा 94.8% आया था। मेरा PCMB था। तो उसके बाद मैंने WBGE और JEE मेंस दिया था। तो WBGE में और JEE मेंस दोनों में मेरा अच्छा रैंक आया था, लेकिन तब मेरे पास गाइड करने जैसा कोई था नहीं। तो जब मुझे कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट बनाना था, तब मुझसे थोड़ी गलतियां हो गई थी। मैं ठीक से सिक्वेंशली सजा नहीं पाई थी, इसलिए मुझे फाइनली मुझे जैसा कॉलेज चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया। तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भी वही गलती करो, इसलिए मैं पहले से जो प्रॉब्लम्स है वो तुम्हें बता दूंगी, ताकि तुम लोग सही से काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो करके अच्छा कॉलेज तुम्हें मिल सके। तो फाइनली मैं AOT में पढ़ रही हूँ, CAC डिपार्टमेंट में। फिलहाल मुझे ऑन कैंपस प्लेसमेंट से KPIT और IBS मिला है। अभी ऑन कैंपस में तो मुझे बैठने देंगे नहीं, तो इसलिए मैं ऑफ कैंपस भी ट्राई कर रही हूँ। तो जो बंगाली स्टूडेंट्स WBGE के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो तुम लोग भी मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आमी तुम्हादेर के बांग्लाय भालो करे बुझिए देबो की प्रॉब्लम आछे, कोनो असुविधा नहीं। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, तुम सब लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन से टॉपिक्स पे तुम लोग को डिटेल्ड वीडियोस चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि तुम लोग को एकदम अच्छे से रिव्यू कर सकूं और पूरा प्रोसेस बता सकूं। मेरे दूसरे कॉलेजेस में भी काफी दोस्त है, वो लोग डिटेल्स में बता सकते हैं कि कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया तो आपको क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे। तो अच्छा होगा कि जो उस कॉलेज में पढ़ चुका है उससे ही हमें पता चले, क्योंकि बाकी जगह तो फेक रिव्यूज होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत कुछ बोला जाता है जो सच में नहीं होता। सो चैनल को फॉलो करते रहना फॉर रेगुलर अपडेट्स। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल सो दैट इट कैन रीच मोर एस्पिरेंट्स। थैंक यू।